आपके बाद में तो मेरा माल चला गया यार। आप लोग खेलो भाई, हम देखते हैं कौन सा पुलिस है। क्या होगा, पुलिस आया तो यार देख लेगा, बहुत सा पुलिस देखा हमने, समझे। अब आइए 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 साहब, नमस्कार साहब। ये अड्डा तुम्हारा है? ये हमारा काय का अड्डा साहब, ये आप खुद का ही समझिए ना। अरे चल साहब के लिए ठंडे रखे चल। आज ही पता लगा हमें साहब कि ये एरिया आपके अंडर में, खुदा कसम अपने को तो बहुत खुशी हो गया है। फिर तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि जो एरिया मेरे अंडर में होता है उसमें अड्डे नहीं चलते। साहब अपन तो बरसों से यही धंधा करता है, अगर साहब आप ये अड्डा बंद कर देगा तो हम कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या खाएगा है? कल सुबह तक अगर ये अड्डा बंद नहीं हुआ तो तुम जेल जाओगे और चक्की पीसोगे। चाहता हूं कि आप लोग शांति से रहें, और अगर वो गुंडे मेरे हाथ लग जाए तो आप लोग वाकई शांति से रह सकते। रहने दो रहने दो, पुलिस में नए नए भर्ती हुए लगते हो। माँ कुछ भी करो, चुप कर। क्यों चुप करूं मैं? इससे पहले भी तो कई पुलिस वाले आए थे, बड़े बड़े वायदा करके चले गए, क्या कर लिया उन लोगों ने? सबके सब बदमाश अपने अपने धंधे कर रहे हैं, बस्ती में गुंडागिरी बढ़ गई है। हम लोग खुद गुंडों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप हमें उनके अड्डों का पता बता दें तो हम उन्हें इसी वक्त गिरफ्तार करेंगे। आप एक काम कीजिए, सोच बैठ, एक टांग दौड़ा के खेलने मरी बड़ा आया, पुलिस वाले का मदद करने को चला। ये इंस्पेक्टर आज गुड्डे को पकड़ के लेके जाएंगे, कल छोड़ देंगे, सबके सब बिकाऊ होते। आप गलत समझ रही हैं माजी, हर पुलिस वाला बिकाऊ नहीं होता। आप एक बार मुझे उनका पता बता दीजिए, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर वो आपको धमकी देंगे। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें उनका पता बता देती हूँ। एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने उनको गिरफ्तार नहीं किया तो हम सबको जीने नहीं देंगे। उस तरफ से अंदर के तरफ चले जाओ, तुम्हें सबके अड्डे मिल जाएंगे। जब तुम बात करते हो तो प्यार बहुत बढ़ जाती है। एक नोटा कर दे ना, थोड़े से और पिला दे जेने। मैं अच्छा बदली खाली किया, अब घर जाओ। अरे घर में तुम्हारे जैसा चांद कहाँ है, क्या नहीं।